हेलो एवरीवन। तो निफ्टी में जो हमने स्ट्रेटजी बनाया था उसमें शानदार प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका है। देखिए 1350 का प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका है। और इसका अगर मैं बताऊं कि कौन सा स्ट्रेटजी था, लेकिन देखिए मार्केट में गिरावट आया है। गिरावट आने के बावजूद भी हमें स्ट्रेटजी में प्रॉफिट हो रहा है। इसको समझिए एक बार, क्योंकि इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसी टाइप के मार्केट के लिए हम इस टाइप का ट्रेड लेते हैं। हमारा देखिए व्यू क्या था, पहले व्यू को समझिए और उसके अकॉर्डिंग क्या हमने इसमें रणनीति बनाया और क्या प्रॉफिट वगैरह चल रहा है। और एक जो इसमें हमने एडजस्टमेंट ट्रेड किया था उसमें कुछ लॉसेस हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉफिट ही चल रहा है, उसको मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए निफ्टी में क्या था कि मार्केट में जब यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुआ तो यहाँ से हमने स्ट्रेटजी बनाया, मार्केट ऊपर जाने लगा। अगर ये सब लेवल हमारा था, क्लियर कट व्यू उसी टाइम था कि यहाँ से लेवल के आसपास में ये घूमेगा एक बार और यहाँ पे टाइम पास करेगा, इस टाइम पास के जोन में हमें प्रॉफिट होगा और वही प्रॉफिट हमें स्टार्ट हो चुका है। तो इस टाइप की रणनीति होती है। अब इस टाइप की रणनीति को कैसे बनाना चाहिए, ये व्यू बनाना भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए ऊपर जाके इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करेगा तो लॉस स्टार्ट हो जाएगा, और अगर लॉस होता है तो इसके लिए हमने एक एडजस्टमेंट ट्रेड लिया था। इसके अलावा अगर ये हमारा इसी व्यू में रहता है आराम से तो अभी भी हमें प्रॉफिट होगा, और अभी भी हमारा इसमें ट्रेड में देखिए नीचे का जो है लेवल कहीं भी जाए हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऊपर का स्टॉप लॉस ये वाला क्लियर कट था जो कि हिट नहीं हुआ और अभी हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको भी हम होल्ड ही कर रहे हैं। लेकिन अब इसको समझिए कि इसमें और क्या व्यू हो सकता है और क्या क्या पे ऑफ ग्राफ है, इसको एक बार दोबारा समझिए। अगर मैं स्ट्रेटजी में जाऊं तो स्ट्रेटजी हमारा ये था कि 19400 का कॉल 146 पे बाय था और 19600 का कॉल, दो लॉट इसमें 55 का सेल था, यानी कि डबल क्वांटिटी था। इसमें देखिए हमें करंट प्राइस में क्या हो रहा है कि ये जो कॉल हमने 146 पे बाय किया था 161 चल रहा है, इसने हाई भी लगाया काफी, लेकिन इसने भी हाई लगाया था, दोनों कॉल ने अच्छी तरह से हाई लगाया, लेकिन उस टाइम हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था क्योंकि देखिए इसमें टाइम वैल्यू का ये था, इसके चलते ये जितना बढ़ रहा था उतना ये भी बढ़ रहा था, इससे बल्कि ये वाला ज्यादा ही बढ़ रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब टाइम हमारे जो है फेवर में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये दो कॉल सेल करने का मतलब यही है कि ऊपर वाले पोजीशन को डेल्टा के मतलब टाइम के साथ हम हेज कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम का भी हमें बेनिफिट मिलना चाहिए और मूवमेंट का भी, जैसे कि रेंज बोन, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे रेंज बोन रहना चाहिए। देखिए किसी भी कारण से मार्केट ऊपर या नीचे हो उससे मतलब नहीं है। आज अगर आप देखेंगे किस कारण से मार्केट नीचे आया था कि आपका एक वार का सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो देखिए वार का सिनेरियो है कुछ भी हो, देखिए चीजों को समझिए। मार्केट में अगर आप इस टाइप का स्ट्रेटेजी बना कर रखेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। लॉस का हमने डिसाइड करके रखा ना कि उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, उस जोन में आपका प्रॉफिट ही होगा। और हमारा तो एक्सपेक्टेशन यही था कि अब यहाँ पे ऊपर आ गया है तो इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। अब किसी भी कारण से आया कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसमें प्रॉफिट ही हो रहा है। और इसी टाइप की स्ट्रेटेजी मैं आपको बनाता हूँ कि कोई अगर अचानक से कोई ओवरनाइट कोई भी रिस्क आ गया, कुछ भी हो गया, तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और इस टाइप की स्ट्रेटेजी में लगातार प्रॉफिट होता है दोस्तों। अब देखिए हमारा व्यू यही है, सिंपल व्यू है। कभी भी मार्केट देखिए आइलैंड रिवर्सल गैप बना चुका है। गैप बनाने के बाद ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक टाइम पास कर रहा है, टाइम पास करके अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है अच्छा टारगेट देगा, नीचे जाएगा हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि क्या करना है। इसलिए हम नीचे का एक रिस्क क्लियर कर रहे हैं कि नीचे कहीं भी जाए हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उस टाइप का रिस्क बना रहे हैं और स्ट्रेटेजी बना रहे हैं हमेशा इस टाइप की स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे ये बुलिश मार्केट है, इस टाइप की मार्केट में अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे इसमें आपको लॉसेस झेलने पड़ेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि अभी इस टाइप का बुलिश मार्केट अभी हुआ नहीं है। जब होगा उस टाइम हम उस टाइप की बुलिश वाले स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे। तो कौन सी स्ट्रेटेजी कब यूज करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए आपको मैं अलग अलग स्ट्रेटेजी अलग अलग जब जब मार्केट में जैसा सिनेरियो क्रिएट होता है उस टाइप की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते रहता हूँ। अब देखिए जो हमने यहाँ पे एक हेजिंग किया था, हमने क्या किया था कि इसमें हमने एक और ट्रेड लिया था, इसमें हमने एक लॉट बाय किया था 19800 का कॉल, ठीक है। तो 19800 का कॉल हमने बाय किया था और ये 19800 का जो कॉल है, 19800 का कॉल को हमने 31 रुपए आसपास में बाय किया था, ठीक है। 31 इसका हम यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं। इसमें देखिए कुछ लॉसेस हो गए, देखिए आप हेज कर रहे हैं ना तो आपका पोजीशन भी तो मैनेज हो रहा है ना, और इसमें देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जनरली हम अगर रेशियो स्प्रेड बनाते हैं, अभी वो तो मैंने अभी चेंज कर दिया लेकिन मैं आपको भी दिखाऊंगा, तो अगर रेशियो स्प्रेड सिंपल तरीके से बनाते हैं तो इसमें होता क्या है कि हमें मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 लाख से ऊपर होता है, 1,20,000-25,000। लेकिन जब हमने यहाँ पे हेजिंग वाला ट्रेड ले लिया तो अब देखिए इसमें क्या हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका घट गया, तो ये वाला जो मार्जिन आपका यहाँ से रिलीज हुआ तो उसको आप अलग जगह भी ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए ये जो ट्रेड हमने 31 पे लिया ये वाला आ गया है हमें कितना, 7 रुपए पे, और इसमें देखिए हमें लॉस हो गया 1100 का, ठीक है। लेकिन इसमें लॉस हुआ लेकिन फिर भी नेट रेट हमें प्रॉफिट ही चल रहा है। और ये जो है ये बिगिनर्स के लिए है जो मार्केट को सही तरीके से नहीं समझते हैं, जब समझ जाएंगे तो इसकी करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसको अगर करते हैं आप तो यहाँ पे देखिए आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका अचानक से बहुत ही कम हो जाता है, 1/3 हो जाता है,
1,20,000 के जगह पे 1,20,000 के जगह पे सिर्फ 40,000 हो जाता है। इसीलिए स्ट्रैटेजी को समझिए, देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्यों करनी होती है, कब करनी होती है, उसके बाद ज़बरदस्त प्रॉफिट बनता है। अभी इस ट्रेड में कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगा। डिस्क्लेमर यह है कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए। यहाँ पे मैं ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप ये सब चीज़ों को सीखें, बैक टेस्ट करें और आने वाले दिनों में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं।